डीसीपी मोहन प्रसाद आए हैं। थैंक यू। नमस्ते। हाय। बोल। टीवी के बारे में बात करने आया था। क्या टीवी? वही बॉम्ब। क्या बॉम्ब? मैं भूल गया था, आप टीवी देखने के लिए नहीं बम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उसी बम के बारे में बात कर रहा हूं जिसको आपने सूर्य के घर वालों को मारने के लिए टीवी में फिट करवाया था। घर जाके टीवी देख ले, जवाब दे चुका हूं। मैं रिपोर्टर नहीं हूं प्रताप साहब, पुलिस वाला हूं। तो पुलिस वाले की तरह अपना काम कर। पुलिस वाले मुझे खुद पसंद नहीं आते, मेरा खुद का स्टाइल है, वो शायद आपको पसंद। काम की बात कर। काम की बात यह है प्रताप साहब कि आप दोनों का बॉम्ब किसी के काम नहीं आया। बॉम्ब मुझ पे फटा लेकिन दिमाग तेरा सटक गया है। क्या करें, शायद एनीवे थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। चलता हूं। और हाँ, ख्याल रखिएगा। मुझे सूर्या को मारना है। वो सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहा है और एक बार वो जेल चला गया तो मुझे मिलना मुश्किल है। आप मोहन प्रसाद पर दबाव डालिए, कैसे भी उसे मेरे रास्ते से हटा दीजिए ताकि मैं सूर्या को हटा सकूं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं सन जो ये कानून नहीं कर सकता? वो कानून का नहीं, मेरा गुनहगार है। वक्त गुनहगार है बाबा। मुझे डायलॉग नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। ये जिंदगी है सर, आपकी कोई फिल्म नहीं। वैसे तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं सन, उसे रिश्ता का बेसिस भी बोलता है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तुम ऐसे ही सुर्खियों में आया हुआ है। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले ये मीडिया वाले बाहर बैठे हैं, इतना बड़ा पुलिस के। सिर्फ एक जवाब, आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं? या ना? प्रताप, राजनीति कभी भी हाँ और ना के बीच में चलती है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है इस बार शायद हम गवर्नमेंट ना बना पाए, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो हमें और भी कमजोर बनाए। उनका भी यही जवाब है। टॉपिक इज ओवर। के साथ प्रताप की सोच अलग अलग जगह में पड़ गई थी, पर सूर्या अब भी उसी वक्त और उसी जगह खड़ा था जहां प्रताप बहुत साल पहले था। मैं कभी जेल नहीं गया, लेकिन तेरे बाप को मारने की कोशिश करने के वक्त बहुत दिन जंगलों में काटे। इससे भी बुरे हालात थे वहां। यहां मुझे कोई परेशानी नहीं, बहुत खुश हूं तुम्हें मारने के सपने देखते हुए।
बदला। तेरे से बेहतर जानता हूं इस आग को, तेरे बाप की वजह से। देख, एक बार रक्त बहने लगे रुकता नहीं, यही रक्त चरित्र है। मैं चाहता हूं कि हम इसे यहीं रोक दें। तू तेरे रास्ते जा, मैं अपने रास्ते। मेरा रास्ता अब सिर्फ तेरे रास्ते में आना है। लगता है इस जेल में बैठकर कुछ ज्यादा ही सपने देखने लग गया है तू। एक आदमी जेल में, किस बात पे इतना भरोसा है तुझे? अपनी नफरत पे। बहुत से लोग बहुत सी चीजों से नफरत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका कुछ कर पाते हैं। तू इधर क्यों आया? समझाने। तू इसलिए आया क्योंकि तू डरा हुआ है। मैं तुमसे ताकतवर हूं क्योंकि तुझे मारने के लिए मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन मुझे मारने के लिए तू कभी नहीं मरेगा। मैं तुझे मार के यह साबित करूंगा कि तू बहुत ही मामूली आदमी है। सपने देखते रहे। देखूंगा।